राजस्थान के पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को एक पत्र लिखा है। सचिन पायलट ने पत्र में सरकारी भर्तियों में 5% एसबीसी आरक्षण की पालना नहीं होने की बात कही है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष और डिप्टी सीएम पद से हटाए जाने के बाद पायलट ने पहली बार मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को अपने समाज की मांगों को लेकर कुछ बातें उठाई है। पत्र में उन्होंने कहा है, राज्य सरकार की ओर से हाल ही में निकाली गई भर्तियों में एमबीसी को 5% आरक्षण नहीं दिया गया है। पायलट ने कहा, कांग्रेस पार्टी ने पिछले विधानसभा चुनाव के दौरान घोषणा पत्र में इस बात का उल्लेख किया था। साथ ही पिछली कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में साल 2011 में समझौता हुआ था कि 4% अतिरिक्त पद यानी छाया पद एसबीजी के लिए सुरक्षित रखे जाएंगे। सचिन पायलट ने अपने पत्र में कहा, फरवरी साल 2019 में सरकार एवं एसबीजी के प्रतिनिधियों के बीच हुए समझौते के अनुसार एसबीसी के लिए 4% और प्रक्रिया भर्तियों के 4% अतिरिक्त पद विभागवार छाया पद स्वीकृत करने के आदेश जारी होने के बाद भी कुछ भर्तियों को छोड़कर शेष भर्तियों में 5% आरक्षण नहीं दिया जा रहा है। बता दें कि एसबीसी आरक्षण जो पहले एसबीसी आरक्षण था उसमें गुज्जर समाज के साथ ही कुछ अन्य जातियां आती है। ऐसे में गुज्जर समाज के प्रतिनिधि मंडल ने सचिन पायलट से मुलाकात कर इस संबंध में शिकायत की थी। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा तो शेयर और अपनी राय कमेंट बॉक्स में देना ना भूलें। धन्यवाद।